हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम आपका मेरे चैनल पर। बात करूंगा था टेरर लाइव मूवी के बारे में। अब मैं फिल्म का रिव्यू करूँ ना, तो आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म देख रखी है धमाका, ठीक है ना, तो ये फिल्म यानी कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म का रीमेक किया था, क्योंकि ये 2023-13 की मूवी है और कार्तिक आर्यन की मूवी लगभग 2-3 साल पहले आई है। सब कुछ वैसा ही था। शुरुआत के 15-20 मिनट तक जब मैं फिल्म देखा था ना, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अरे मैंने स्टोरी कहीं देख रखी है, लेकिन मतलब कुछ याद नहीं आ रहा था इस फिल्म के लिए कि मैंने कहाँ देखा है। तो फिल्म जब मैंने कंप्लीट की, उसके बाद फिल्म के बारे में जब पढ़ा ना, तब मुझे पता चला कि भाई ये फिल्म तो रीमेक है, यानी इसकी हिंदी रीमेक बन चुकी है बॉलीवुड के अंदर। तो अगर आपने अगर वो देख रखी है कार्तिक आर्यन की मूवी, आपने धमाका देख रखी है, तो आप फिल्म को छोड़ सकते हो कि स्टोरी सेम है। उसके बावजूद भी अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो भले आप फिल्म को देख लेना। कार्तिक आर्यन से आपको अच्छी एक्टिंग नहीं इस बंदे की देखने मिलेगी। कोरियन सिनेमा का मूवी है, एकदम बवाल फिल्म थी। तो भाई इसके लिए एक छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है मूवी का रिव्यू ढूंढते हुए तो चैनल को सपोर्ट करना, आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट जरूर करना।